स्वागत है आप सबका मॉम स्टूडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे एंड अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हेलो गाइस, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है एंड अगर पसंद आ रही है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियोस थ्रू देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि मैं अपना जो करियर है या वो कुछ अलग दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ एंड थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हो भी रही हूँ, यस, मगर बहुत मेहनत है इसके पीछे। सो मेहनत से डरना नहीं है क्योंकि रिजल्ट जब मिलेगा तब छप्पर फाड़ के मिलेगा। सो मेहनत करते रहिए एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स। मगर इस सब के पीछे प्राइस जो पे कर रही थी वो थी मेरी स्किन। आप सबको पता ही है कि मेरे पुराने वीडियोस में मेरी जो स्किन थी वो एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसी ही थी, मुझे कोई भी पिंपल्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, डलनेस नहीं थी और एकदम क्लियर स्किन था। मगर ये कुछ महीनों से जब से मैंने ये शूटिंग वगैरह चालू किया है स्लोली स्लोली, तो एवरी सेकेंड डे मेरा जो रहता है मेकअप करना जरूरी रहता है ऑफकोर्स। सो वो एंड मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मेकअप से पहले भी मुझे इरिटेशंस वगैरह होती थी, मगर अब कोई ऑप्शन नहीं है। सो जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो वो मेरी स्किन पे इधर पिगमेंटेशंस आ जाते थे या स्किन बहुत ही डल हो रही थी। तो कुछ दिनों से फिर मैंने सोचा कि अभी इसका कुछ तो सोल्यूशन होना ही चाहिए एंड देन आई केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर ब्रांड जो बहुत ही अच्छी है ब्रांड एंड मैंने कुछ टाइम यूज किया है एंड आई कैन रियली सी द रिजल्ट ऑन माई स्किन। तो मैंने दो प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर ब्रांड के ऑर्डर किए एंड यूज किया एंड उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली है। बहुत सारे अमेजोन पे अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल है मगर सब पॉकेट फ्रेंडली नहीं होते हैं, मगर ये पॉकेट फ्रेंडली है एंड रिजल्ट अच्छा है ही। तो जिस ब्रांड की मैं बात कर रही हूँ वो है ये जिम्बल। तो इसके मैंने दो प्रोडक्ट यूज किए हैं, ये देखिए दो प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हैं, एक है फेस वॉश और दूसरा है ये विटामिन सी का सीरम। सो दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ही अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इफेक्टिव है ऑन स्क्रीन। तो चलिए मैं आपको इसका यूसेज कैसे है एंड इसके क्या बेनिफिट्स है वो दिखा देती हूँ। यह है जिम्बल का डीप एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश विद गुडनेस ऑफ कैफीन एंड विटामिन सी और ये सब स्किन टाइप पे सूट करता है, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन। और इसकी खासियत है कि ये सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है एंड सिलिकॉन फ्री है और ये जो है अपनी डल स्किन को एकदम लाइटन अप करता है, पॉल्यूशन से बचाता है एंड जो भी हमारी एक्स्ट्रा डेड स्किन होती है वो निकाल देता है एंड हमें खिला खिला चेहरा देता है। और इसमें जो बीड्स हैं वो बड़े सॉफ्ट हैं और ये जेल बेस्ड है सो बिल्कुल भी फेस को हार्म नहीं करते और मेरी तो स्किन जो फिलहाल जो है एकदम सेंसिटिव है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉश फॉर मी। और अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ जिम्बल का फेस सीरम जिन्हें बनाया गया है विटामिन सी से और पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट से फॉर ब्रिंगिंग आउट द नेचुरल रेडियंस ऑफ योर स्किन। इसके जो टारगेट्स है वो है फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, डलनेस एंड अनइवन टेक्सचर एंड लॉस ऑफ फर्मनेस एंड इलास्टिसिटी। इसे आपको दिन में दो बार यूज़ करना है आफ्टर क्लिंजिंग एंड बिफोर मॉइस्चराइजिंग एंड रिजल्ट विल बी ऑन योर फेस इन फ्यू मंथ्स, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड आफ्टर यूजिंग दिस टू प्रोडक्ट्स। तो ये था प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आई होप आपको पसंद आया होगा एंड अगर आपको पसंद आया है एंड आपको ट्राई करना है तो आपको क्या करना है, आप जाइए अमेजोन पे एंड वहां पे जाके ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सर्च कीजिए एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे भी प्रोडक्ट्स की लिंक डालने ही वाली हूँ, मगर ये पर्टिकुलर ब्रांड के आप और भी प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं, मगर ये पर्टिकुलर दो प्रोडक्ट्स मेरे पर्सनल फेवरेट है, मुझे बहुत ही पसंद आए हैं एंड मेरी स्किन को सूट हुए हैं क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है। तो अगर आप ऑर्डर भी करेंगे तो आई एम श्योर यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। सो जल्दी जल्दी जाइए एंड ऑर्डर कीजिए, मैं एक कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी हासिल कर पाएं।
तो चलिए अब दिन की शुरुआत करते हैं एंड गेट बैक टू वर्क। तो अभी हम लोग आए हैं अहमदाबाद मॉल में। Bye.
सो वी आर बैक. अभी टाइम हुआ है 6 बजे हैं और हम लोग अल्फा मॉल से वापस आ गए हैं. बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, ढेर सारी गेम्स, खाना पीना, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की वहाँ पे. सो फुल ऑन मस्ती. एंड अब वो लोग जाएंगे अपने क्लासेस में और अभी फिलहाल वो लोग कपड़े सुखा रहे हैं और मैं बैठी हूँ थोड़ी देर एंड देन मैं अपने काम पे लगूंगी, क्योंकि सुबह से गए थे तो सारा काम ऐसे ही छोड़ के फटाफट भागे थे, तो थोड़ा बहुत काम निपटाऊंगी एंड देन डिनर में लेट्स सी क्या बनता है, क्योंकि वहाँ पे पिज्ज़ास, बर्गर्स वही खाया है, सैंडविचेस. तो अभी लाइट डिनर बनाऊंगी. मगर ऐसा रहा हमारा आज का दिन, मतलब वेकेशन ऐसे ही जा रहे हैं. एक एक वीक में एक एक कुछ कुछ नया नया करने की कोशिश करती हूँ, बाहर लेके जाने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो लोग भी बोर ना हो, मुझे भी चेंज हो एंड मेरा काम भी साइड गुड टू साइड चलता रहे. सो लेट्स सी अभी आगे का दिन कैसे बनता है वो मैं आपके साथ. सो ये लोग यहाँ पे अभी फिलहाल कपड़े सुखा रहे हैं. सो वन बाय वन रोज एक एक काम सिखाते हूँ, बर्तन साफ करना, कपड़े सुखाना, सब्जी काटना, डस्टिंग करना, अपना रूम साफ करना. सो ये सब करना भी जरूरी है और सीखना भी जरूरी है ताकि आगे चल के काम आएगा. सो ऐसे ही वेकेशन में एक एक थोड़ा बहुत सीखेंगे तो काम आएगा. तो जैसे भी करे मैं करने देती हूँ एंड वो लोग भी सीख रहे हैं.